बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तरीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम अखरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। तो सबसे पहली बात, नाज़रीन, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने मीडिया कन्फ्रेंस की और अपनी मीडिया कन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं, ये बात होगी। और इस तरह मेजर तहर सादिक साहब का एक वीडियो क्लिप सामने है जिसमें ईमान तहर साहबा को और साद हुसैन रिज़वी साहब को जिस तरह से हराया गया, उन्होंने ये तमाम की तमाम जो डिटेल है वो कौम के सामने रखी है कि किस तरह से इनको हराया गया। चैनल पर नाज़रीन नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको मेजर तहर सादिक साहब का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। रफीम, मैं अटक के अवाम दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज पेश करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने NA-49 और NA-50 में इलेक्शन लड़ा है, ये नहायत ही काबिल तहसीन और काबिल सताइश है। मेरे वहाँ ना होने के बावजूद आपने कंपेन को ज़बरदस्त तरीके से चलाया, आप पर जितनी सख्तियाँ जितनी सोगतें आपने बर्दाश्त की हैं, मैं आपको सलूट करता हूँ। और आपने फिर देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत ऊंची कामयाबी दी। मैं NA-49 से भारी अक्सियत से कामयाब हुआ, 461 पोलिंग स्टेशन जिनमें से मैं 457 100% अच्छे मार्जिन से जीता, और टोटल 5 जो है हमारे पोलिंग स्टेशन वो मैं हारा, और मेरी लीड जो है वो तकरीबन 81,000-82,000 के करीब मेरी लीड सिर्फ। और ऑल ऑफ अ सडन जो RO जिसको स्पेशली 3-4 दिन पहले इस काम के लिए लाया गया, उसने दरवाजे बंद करके हमारे वकला को हमारे इलेक्शन एजेंट्स को उठा के बाहर फेंका और सिर्फ एक नोटिफिकेशन इशू करके इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट भेज दिया। हमारे पास फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं और हमारा जो रिजल्ट है हमारे पास मौजूद है। जो धांधली भी नहीं, बहुत बड़ा धांधला जो किया है, मैं समझता हूँ ये इनको इसका खमाजा पुखना पड़ेगा। अगर आपने पूरे अटक के अगर आपने इसी तरह के मामला चलाने हैं तो इलेक्शन की क्या ज़रूरत थी, आप नोटिफिकेशन कर देते कि इधर से फलाना MNA होगा उधर से फलाना MNA होगा, तो इलेक्शन डब्बे रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप नवाज शरीफ को वैसे ही प्राइम मिनिस्टर बना देते। इतना बड़ा खर्चा करना, लोगों की तगोदो लड़ाइयाँ झगड़े और नफ़रतें हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो मैं ये समझता हूँ अटक के अवाम, आप तकड़े रहो, कोई घबराना नहीं, अल्लाह की इसमें भी बेहतरी होगी और ज़रूर बेहतरी होगी। आप 2 नफल शुक्राना अदा करो इसमें भी कि अल्लाह हम तेरे इसमें भी शुक्र गुजार हैं कि तूने जो हमें ये दिन दिखाया, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें भी उसकी पता नहीं कितनी बड़ी बेहतरी और कितना बड़ा करम शामिल हाल होगा। इसी तरह उधर दूसरी सीट पे मेरी बेटी NA-50 पे इलेक्शन भारी अक्सियत जीत रही थी, हजारों की तादाद में उसको लीड थी, हजारों हर UC आप उधर से ले लें, तराब मखाड छब इंजरा आगे जाबा छपड़ी मठियाल ठट्टा बसाल सगरी नाड़ा, सिर्फ नाड़ा UC की 2500 की लीड थी, खौड़ 3500 की यूनियन काउंसिल की लीड, अमदाल आपकी आ जाए इधर डुलियां अखलास आपका खड़पा फतेहजंग शहर फतेहजंग के जंगल, मतलब आप थाना बातर हर क्या कहते हैं UC आप भारी अक्सियत से जीते हैं। और मुकाबला जो था वो ईमान का मौलाना साद रिज़वी साहब से था, और उनका भी साद रिज़वी साहब और ईमान का भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, कम से कम भी 20-22 हज़ार से ज़्यादा उसका और इनका डिफरेंस था। सुहेल तो किसी खाते में नहीं था, ये नंबर 3 था,
और आपने सारा कुछ बंद करके, ये आरोज ने बंद करके आपने रिजल्ट दे दिया, ये आइन है, ये आप मुल्क के साथ वफादारी कर रहे हैं। और मजे की बात आपको बता दूं, शेख आफ्ताब को भी 1,19,000 वोट और मलिक सुहेल को भी 1,19,000, जो एहलकार वहां बैठे उन्होंने कहा ये लिखो, और मुझे भी 1,10,000 और ईमान को 1,09,727। ये इनका तरीका है, ना कोई, मेरा कहने का मतलब है कि अल्लाह ही इनसे पूछेगा और ज़रूर पूछेगा इनको कि आपने ये सारा गंद क्यों किया। जब भी आप नाइंसाफियाँ करें तो इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। हमने हमेशा अदारों की बात की है, अदारों की हिफाजत की बात की है, उनको हमेशा दुआएं दी हैं, पर कभी हमने ये नहीं सोचा कि अदारे इस किस्म के काम करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए। हम पूरे तरीके से लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इसका तदारक भी करेंगे, फाइट भी करेंगे और आगे तक अदालत में जाएंगे तब के इंसाफ का बोलबाला हो। और इंशाल्लाह ये था अलामा साद हुसैन रिजवी साहब का अहम तरीन वीडियो पैगाम, जो आप लोगों के, सॉरी मेजर तहर साहब का अहम तरीन वीडियो पैगाम जो धांधली के हवाले से था। आप देखेंगे जो उन्होंने बातें की, बेशक उनका जिस भी पार्टी से तल्लुक हो, जो भी हो, लेकिन उन्होंने जो बातें की वो 100% करेक्ट बातें की हैं, ठीक बातें की हैं। आप इनसे इख्तलाफ नहीं कर सकते, आपका चाहे जिससे भी तल्लुक हो, जैसा भी हो, लेकिन ये बातें 100% उन्होंने ठीक की हैं, फिट की हैं। आप इन बातों को माने, एक्सेप्ट करें। दूसरी तरफ से अलामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह से रैलियों का ऐलान किया, अब रैलियाँ ये 1 बजे होंगी और इन रैलियों के क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा मुल्क भर में, हाई अलर्ट क्यों, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि आरओ ऑफिस जो है इसके ऊपर कोई हमला ना हो, इस तरह के कोई सीन ना हो। तो इन्होंने क्या किया है कि हाई अलर्ट जारी किया और जितने भी पुलिस एहलकार, वैसे भी उनकी छुट्टियाँ जिस वो मनसूख हो गई थी, मजीद जो है वो इस तरह से कि ये TLP की जो रैली है ये कहीं बड़े एहतजाजी मुजाहरे में ना तब्दील हो जाए। और नंबर 3, साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान की अदालत में, यार किन अदालत में आप जाएंगे? आप उन अदालतों में जाएंगे जिन अदालतों ने नवाज शरीफ को गुनहगार करार दिया, फिर उसी नवाज शरीफ को उन्होंने बेगुनाह करार दिया। आप उन अदालतों की बात करते हैं? ये अदालतें नहीं, ये अदालतें नहीं, ये लौंडिया है, लौंडिया। इन्होंने आपको यहां पर, आप पाकिस्तान की अदालतों में जाने को इंसाफ समझते हैं कि आपको पाकिस्तान की अदालत इंसाफ देंगी? और यार जो मोहसिन पाकिस्तान, यानी वो मोहसिन पाकिस्तान जिसने इस उम्मत को, इस कौम को एटम बम्प दिया, और यार ये अदालतें उसको इंसाफ फराम ना कर सकी और ये आपको इंसाफ फराम करेंगी? तो थोड़ा आप बेशक रिजल्ट को तस्लीम ना करें, आपने इसको रिजेक्ट भी किया है, सब कुछ किया है, आपकी बात 100% ठीक है, हम इतफाक भी करते हैं, मुत्तफिक भी हैं, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यहां पर यह बात कहना कि पाकिस्तान की अदालतें, हम अदालतों में जाएंगे, अदालतें में इंसाफ फराम करेंगी, तो यह इस बात का जो है ना वो इख्तलाफ है। आप अदालतें, आपको क्यामत तक भी आप पाकिस्तान की अदालतों में अपने यही मुकदमा लेकर जाए, फिर ये 2024 की बजाय 29 आ जाएगा, न्यू इलेक्शन आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को यहां पर इंसाफ नहीं मिलेगा। यार जो मोहसिन पाकिस्तान, जो 22 करोड़ नहीं, पूरे 1.5 अरब मुसलमानों का, 2 अरब मुसलमानों का, 2.5 अरब मुसलमानों का, जो एक हीरो था, एक न्यूक्लियर बनाने वाला साइंसदान था, यार जो अदालतें उसको ना इंसाफ फराम कर सकें, क्या वो अदालतें आपको इंसाफ फराम करेंगे? तो इस चीज को आप रिजेक्ट करें। हाँ, अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह जिस तरह से डिसीजन लेते थे, बाकी रैलियों के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो अपना नेक्स्ट भी लाए अमल का जो है वो ऐलान कर सकती है, हो सकता है, लेकिन अदालतों में जाना ये फजूल है। इस चीज से जो ना हमें इख्तलाफ है, और इख्तलाफ करना हर भाई का जो है ना वो, हर बंदा का अपना जो है ना एक राइट है। आप इख्तलाफ जो है ना वो हर किसी से कर सकते हैं, आप करें। तो अदालतों में जाने से बेहतर है कि फिर आप खामोशी इख्तियार कर लें और खामोश होकर बैठ जाए। ये फिर जो है ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अदालतों की बजाय फिर चुप करके रिजल्ट तस्लीम करें और घरों में बैठ जाएं और इस तरह से जो है ना वो गुजारा करें, 2029 के इलेक्शन की तैयारी करें, वो आएगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ये मेरा एक जो है ना वो एक किस्म का तजिया है जो मैंने यहाँ पर बयान किया है, क्योंकि अदालतों से
उम्मीदें लगाना ये खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है, और वो भी अदालत पाकिस्तान की। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।